हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अभी करेंट रोस्टर में काफी कमी ऐसे सुपरस्टार है जो कि रोमन रेंज के लेवल में, एंड अगर वो है तो उनकी फ्यूड रोमन रेंज के साथ हो चुकी है, जिसकी वजह से लास्ट ईयर हमें कई सारे सुपरस्टार्स का रिटर्न देखने को मिला था जिन्होंने चैलेंज किया था रोमन रेंज को, जैसे कि एज, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, एंड इस ईयर स्टार्टिंग हो चुकी है गोल्डबर्ग से। तो गाइस, आज के इस वीडियो में ऐसे चार सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि अपना इस ईयर रिटर्न कर सकते हैं WWE में, एंड हमें चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज को। एंड रॉक को गाइस मैं इस लिस्ट में शामिल नहीं करने वाला हूं, बिकॉज अगर वो हमें रिटर्न करते हुए भी दिखते हैं देन उनका एंड रोमन रेंज का मैच हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 39 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर। इसलिए चांसेस ज्यादा यही है कि वो नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल के आसपास अपना रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 4 से। देन गाइस, नंबर 4 पर मैंने जिस सुपरस्टार को रखा है वो कोई और नहीं, वो है द फिंड ब्रे वायट। अब गाइस, आप सबको पता है ब्रे वायट को WWE ने अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया था, लेकिन अभी तक ब्रे वायट ने किसी भी और कंपनी के साथ डील साइन नहीं किए, यानी कि वो हमें किसी भी और प्रमोशन में देखने को नहीं मिले, जो कि इस बात की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ाता है कि अगर WWE ब्रे वायट को वापस लाना चाहती है देन हो सकता है वो हमें वापस भी लाते हुए दिख जाए। और मैंने आप सबको बताया था कि एक लिस्ट सामने निकल कर आई थी कि अगर रोमन रेंज गोल्डबर्ग को हरा देते हैं देन वो सारे यूनिवर्सल चैंपियन को हरा देंगे, बट ब्रे वायट ने इसका रिप्लाई करते हुए कहा कि मेरा नाम यहाँ से हटाओ, बिकॉज आप सबको पता ही है रोमन रेंज ने जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी वो जीती थी ट्रिपल थ्रेट मैच में, वो भी ब्रॉन स्ट्रोमन को पिन कर उन्होंने ब्रे वायट जो कि चैंपियन थे उन्हें पिन नहीं किया। तो गाइज, इनकी एक तरह से अनफिनिश्ड फ्यूड है, और अगर WWE किसी भी तरह से ब्रे वायट को वापस ले आती है अपनी कंपनी में देन मुझे लगता है डेफिनेटली से रोमन रेंज एंड फिंड की फ्यूड तो हमें देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बात की जाए नंबर 3 पर मैंने किस सुपरस्टार को रखा है, देन गाइस वो कोई और नहीं, वो है कोडी रोड्स, जिन्हें आप WWE में स्टारडस्ट के नाम से भी जानते होंगे। तो आप सब यही सोच रहे होंगे, भाई ये AEW की सुपरस्टार है एंड एक तरह से ये को-फाउंडर है AEW के, यानी कि इन्होंने एक तरह से AEW की स्टार्टिंग करने में मदद की थी। बट गाइस, आप सबको बता दूं, AEW ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि कोडी रोड्स एंड उनकी वाइफ ब्रैंडी रोड्स दोनों ने लीव कर दिया AEW। अब रीजन क्या कुछ है वो तो सामने निकल कर नहीं आया, बट हाँ, ऐसा बोला जा रहा है कि पैसों की दिक्कत नहीं थी, बस बैक स्टेज कुछ इशू हो गई थी कोडी रोड्स की, अब वो आइडियाज या फिर किसी और चीज को भी लेकर हो सकता है, जिसकी वजह से AEW को ऑफिशियली लीव कर दिया है कोडी रोड्स ने। बट गाइस, आप सबको बता दूं, अपडेट्स यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि WWE को ये बात पता थी कि कोडी रोड्स AEW को छोड़ने वाले, जिसकी वजह से WWE के हायर एग्जीक्यूटिव के साथ बातचीत भी हुई कोडी रोड्स की, यानी कि उनकी कुछ डिस्कशन हुई कोडी रोड्स के साथ। और गाइस, इसके बाद चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं हमें कोडी रोड्स WWE में आते हुए दिखने वाले। अब वो स्टारडस्ट के गिमिक में आते या फिर कोडी रोड्स के, वो तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट हाँ, रोमन रेंज के पास अभी अपोनेंट की कमी है, एंड डेफिनेटली से कोडी रोड्स अगर WWE में वापस आते हैं सो उनको देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। इसलिए WWE रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स की फ्यूड करवा सकती है, यानी कि हमें कोडी रोड्स WWE में आकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंज को। इसलिए लेट्स सी कि क्या कोडी रोड्स WWE में आते हैं या फिर नहीं, एंड अगर वो आते हैं तो क्या वो चैलेंज करते हैं यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज को। तो अब बात की जाए अपने नेक्स्ट सुपरस्टार के बारे में, जिन्हें मैंने नंबर 2 पर रखा है, देन गाइस वो कोई और नहीं, वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन। अब गाइस, ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ भी वही सीन है जो कि ब्रे वाइट के साथ है, यानी कि भले ही उन्होंने WWE कंपनी को लीव तो कर दिया है लेकिन उन्होंने ऑफिशियली किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया, भले वो हमें कई सारे जगह देखने को मिले जहां पर उनकी वन टाइम डील थी, लेकिन अभी तक वो हमें AEW जैसे कंपनी में देखने को नहीं मिले हैं। और ब्रॉन स्ट्रोमैन गाइस WWE के काफी ज्यादा लॉयल थे, बट WWE ने एक तरह से धोखा दे दिया ब्रॉन स्ट्रोमैन को, और काफी पहले अपडेट्स भी आए थे कि WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन को वापस लाना चाहती है। तो हो सकता है अगर WWE फिर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे ब्रॉन स्ट्रोमैन को देन वो मना न करे एंड वो वापस आ जाए WWE में। एंड वैसे भी अभी WWE में थोड़ी मॉन्स्टर वगैरह की कमी हो रही है। अब रोमन रेंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन का हम सबने मैच तो देखा है बट एक प्रॉपर फ्यूड नहीं देखी है, लेकिन अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन का होता है रिटर्न तो डेफिनेटली से हमें रोमन रेंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन की फिर से एक अच्छी खासी फ्यूड देखने को मिल सकती है। और जब रोमन रेंस फेस थे तब इतना कमाल का फ्यूड हमें देखने को मिला रोमन रेंस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच, तो अब जब रोमन रेंस डिफरेंट लेवल पर चल रहे हैं तो हमें क्या ही कमाल का फ्यूड देखने को मिल सकता है ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड रोमन रेंस के बीच। इसलिए लेट्स सी कि क्या ब्रॉन स्ट्रोमैन वापस आते हैं WWE में एंड वो चैलेंज करते हैं रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। वही बात की जाए नंबर 1 पर मैंने किस सुपरस्टार को रखा है, देन गाइस वो कोई और नहीं, वो है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अब आप सब यही सोच रहे होंगे
भाई स्टोन कोल्ड का नाम कहां से आ गया, देन गाइस आप सबको बता दूं कल एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई कि WWE प्लान कर रही है स्टोन कोल्ड का एक मैच करवाने के बारे में रेसलमेनिया 38 में, जो कि हो सकता है केविन ओवेंस के साथ, यानी कि स्टनर वर्सेस स्टनर। और मैंने आप सबको बताया था कि WWE शेन मैकमैन के जाने के बाद उनका एक अल्टरनेटिव ढूंढ रही है रेसलमेनिया में, तो लगता है वो नाम शायद से स्टोन कोल्ड है। अब स्टोन कोल्ड अपनी इंजरी की वजह से WWE में रेसल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जब वो केविन ओवेंस के साथ एक मैच के लिए वापस आ रहे हैं तो ये बात तो साफ है कि उनकी इंजरी वाली इशू अब सॉल्व हो चुकी है। एंड WWE हमें कई सारे और ड्रीम मैचेस करवाते हुए दिखने वाली है स्टोन कोल्ड की। एंड आप सबको पता ही है अभी WWE को जो एक तरह से लीड कर रहे हैं वो है रोमन रेंस, तो डेफिनेटली से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस रोमन रेंस का एक मनी मेकिंग मैच होने वाला है और समर स्लैम के आसपास हो सकता है हमें फिर से स्टोन कोल्ड का रिटर्न देखने को मिले एंड वो चैलेंज करे रोमन रेंस को उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और आप सब जानते ही हो भाई जब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वर्सेस इस जनरेशन के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बीच मैच होगा तो भाई क्या कुछ होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये समर स्लैम रेसलमेनिया जैसे लेवल का मैच है तो हो सकता है समर स्लैम से पहले किसी स्मैकडाउन में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न देखने को मिले एंड वो रोमन रेंस पर अटैक कर या फिर सिंपली प्रोमो कट कर चैलेंज करते हुए दिखे रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस यही थे वो ऐसे चार सुपरस्टार्स जो कि इस साल हमें रिटर्न कर चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस को। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना आप इनमें से किस सुपरस्टार की मैच रोमन रेंस के साथ देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।